किसान भाई, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज शाहजहानपुर गन्ना शोध परिषद की अर्ली वैरायटी COS 18231 के बारे में। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों को इस गन्ना किस्म की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, क्या इसकी पहचान है, कैसे हमारे किसान भाई इस गन्ना किस्म की पहचान कर सकते हैं और क्या इसकी उपज देने की क्षमता है, रोगों के प्रति कैसे यह सहनशील है और किस प्रकार की इस गन्ना किस्म में ग्रोथ और उत्पादन है। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, जैसे कि यह जो गन्ना किस्म है किसान भाइयों, इसी वर्ष फरवरी में 2024 में इस गन्ना किस्म को अर्ली गन्ना किस्म के द्वारा स्वीकृत किया गया था। शाहजहानपुर गन्ना शोध परिषद की यह अर्ली गन्ना किस्म है। बात करें इस गन्ना किस्म की तो काफ़ी अच्छी गन्ना किस्म यह निकल कर सामने आई है। एक आग से किसान भाई यह 7-8 गन्ने लेती है और जो भी गन्ने बनते हैं इस गन्ना किस्म में सब समान मोटाई और समान बढ़वार के हैं। गन्ने की मोटाई 0238 जैसी ही देखने को मिली है और इस गन्ना किस्म में खास बात यह भी है कि इसकी जो बड है वह काफ़ी ठोस है और देख पा रहे हैं जैसे कि त्रिभुज के आकार की इस गन्ना किस्म में आँख होती है। आँख के ऊपर हल्की गड्ढा नुमा आकृति होती है, 2-3 इंच तक आपको जो इसमें गड्ढा नुमा आकृति दिखाई देगी। देख पा रहे हैं जैसे कि वीडियो में हर आँख के ऊपर आपको गड्ढा नुमा आकृति देखने को मिलेगी, लंबे लंबे इंटरनोड है। कलर की बात करें तो हल्का काला और सफ़ेद रंग लिए यह गन्ना किस्म रहती है। पत्तियाँ हरे गाढ़े कलर की रहती हैं, हल्का सा झुकाव लिए इस गन्ना किस्म की पत्तियाँ रहती हैं। चौड़े आकार की इस गन्ना किस्म में पत्तियाँ देखने को मिलती हैं, जो पत्तियाँ हैं काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं। पत्तियों किसी प्रकार के आपको कांटे देखने को नहीं मिलेंगे और त्रिभुज के आकार की आँख रहती है। जहाँ ताज़ी पत्ती उतरी थी वहाँ व्हाइटिश और जहाँ पत्ती उतरे थोड़ा टाइम होता है वहाँ ब्लैक और वाइट कलर का यह रंग लेती है। अंदर से भी कट करने पर पूर्णतः गन्ना किस्म ठोस है और बढ़वार के मामले में बहुत ही अच्छी गन्ना किस्म है, बहुत ही तेज़ी से अपनी बढ़वार पूरी करती है। लागत काफ़ी कम इस गन्ना किस्म में देखने को मिली है और रोगों के प्रति बात करें तो काफ़ी सहनशील गन्ना किस्म है रोगों के प्रति। शोध परिषद द्वारा जो इसका जो उत्पादन बताया गया है वह 450 से 500 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताया गया है। रोग भी काफ़ी कम इस गन्ना किस्म में देखने को मिलते हैं, अभी तक तो कोई भी सीरियस डिसीज इस गन्ना किस्म में नहीं देखने को मिलता। फंगस के प्रति भी काफ़ी सहनशील गन्ना किस्म है, 7-8 गन्ने इस गन्ना किस्म में बनते हैं, ओवरटेलिंग नहीं इस गन्ना किस्म में और जो भी गन्ने बनते हैं वह समान मोटाई और समान बढ़वार के हैं इस गन्ना किस्म में। और शुगर कॉन्ट्रेट भी इस गन्ना किस्म में अच्छा है, जिससे कि जो चीनी मिले हुए वो भी काफ़ी हद तक इस गन्ना किस्म को पसंद करने वाली हैं। और इसी वर्ष 2024 में यह गन्ना किस्म हमारे गन्ना शोध परिषद शाहजहानपुर द्वारा अर्ली गन्ना किस्म में स्वीकृत की गई है। और बात करें इसके बीज की तो इसके बीज हमारे किसान भाई इस वर्ष शोध संस्थानों द्वारा ही प्राप्त करते हैं और किसी भी अगर बीज प्राप्त करें तो किसी विश्वसनीय फार्म से लें, क्योंकि किसान भाई और बीज को लेकर काफ़ी अधिक धोखाधड़ी देखने को मिलती है। तो इसके कुछ बेसिक करेक्टर हैं जैसे कि इसकी त्रिभुज की आकार की आँख होती है, बाघ के ऊपर हल्का गड्ढा नुमा आकृति होती है और सॉफ्ट आकार की इसकी जो बोरियाँ होती है सॉफ्ट वैक्स की भरपूर मात्रा इस गन्ना किस्म में होती है। ब्लैकिश और व्हाइटिश कलर यह गन्ना किस्म लेती है। पत्तियाँ हल्के गाढ़े कलर की होती हैं, चौड़ी पत्ती का और पत्ती के किसी प्रकार के कांटे नहीं होते। इस प्रकार के किसान भाई इस गन्ना किस्म में कुछ खास पहचानें देखने को मिलती हैं। अगर हमारे किसान भाई किसी भी नई जगह से इसका बीज खरीदे तो इस प्रकार के इसके बेसिक करेक्टर जरूर चेक करके लें। बीजों के प्रति हमारे किसान भाइयों के साथ काफ़ी अधिक धोखाधड़ी देखने को मिलती है, तो बीज बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छी तरीके से चेक करके लें। किसान भाई, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।